हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से भारत का भूगोल की। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह ये बुक है महेश कुमार बर्डवाल जी का, जिसके द्वारा आज हम भारत का भूगोल का भाग दो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। जहाँ पर भारत भूगोल एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है एग्ज़ाम में, वहाँ आपको ये बुक इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने भारत का भूगोल का पार्ट 1 भी अपलोड किया है, आप चाहें तो उसको भी जाकर पढ़ सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कृषि। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। पहला है एग्री, जिसका मतलब है मृदा यानी कि सोल, और दूसरा है कल्चर यानी कि कृषि। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे भारत में ऋतु आधारित प्रमुख प्रमुख फसलों की बुवाई एवं उनकी अवधि के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक स्लाइड दी गई है, इसी स्लाइड की हम बात कर रहे हैं। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है, भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुवाई और उनकी अवधि। तो देखिए सबसे पहले आती है आपकी रबी की फसल, इसे शीतकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं रबी की फसलें, तो देखिए इसके अंदर गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट रहता है इसकी बुवाई की अवधि, अक्टूबर नवंबर में इसे बोया जाता है और काटा जाता है मार्च अप्रैल में। अगला है खरीफ की फसल, देखिए ग्रीष्मकालीन फसल है ये, और इसके अंदर प्रमुख फसलें आती हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। ठीक है, बुवाई का समय है जून जुलाई और कटाई होती है इसकी अक्टूबर नवंबर में। इसके बाद है जायद फसल, जिसको शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में मध्य फसल भी माना जाता है। कौन कौन सी है, देखिए तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती, ये जायद फसलें हैं। मार्च अप्रैल में इसकी बुवाई होती है और कटाई का समय है जून जुलाई। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कटाई का समय, ठीक है, और बुवाई का। और यहाँ से सिंगल भी पूछी जाती है, जैसे कि आपको ऑप्शन में चार फसलें दे देगा और पूछेगा इसमें से रबी की या फिर खरीफ की फसल कौन सी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है, सही आंसर रहेगा विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। ठीक है, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है, तो देखिए पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाती है। भारत में संकार्य यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, राइट आंसर है राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं, आंसर है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है आपका पंजाब। ठीक है, कौन है, पंजाब। गेहूं की अच्छी खेती कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं, तो सही आंसर है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सी से उच्च तापमान आदर्श जलवायु आदर्श मानी जाती है। ठीक है, कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्याण सोना ये गेहूं की एक किस्म है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, राइट आंसर है चावल। कौन सी है दोस्तों, चावल। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, आंसर है धान यानी कि चावल। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ की फसल, रवि तथा जायद फसल तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। ठीक है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, सही आंसर है उत्तर प्रदेश में।
भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? राइट आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं से। जया पद्मा पूषा सुगंधा फाइव जमुना एवं कृषि सॉरी कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? राइट आंसर है धान की यानी कि चावल की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ग्रीन गोल्ड, ये चाय की एक किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? आंसर है नील हरित शैवाल का। किसका? नील हरित शैवाल का। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका खरगोन जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, इसे कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा यानी कि बाउल ऑफ सुगर कहा जाता है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है? ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट यहां पर लाइन लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट स्लाइड यहां पर आई है, लिखा है कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। तो देखिए सबसे पहली आपकी हरित क्रांति, याद रखिएगा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है, तो यह है खदान उत्पादन से संबंधित। अगली है सुनहरी या फिर आप कह सकते हैं स्वर्ण क्रांति, तो ये दोस्तों फल एवं सब्जी उत्पादन एवं बागवानी कृषि से संबंधित है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण अथवा काली क्रांति किसे कहते हैं? तो खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ये कृष्ण क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति, देखिए एग्जाम में राउंड क्रांति भी लिखकर आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है राउंड कह लीजिए या गोल, ये आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति इंपॉर्टेंट है, पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति कह लीजिए या सिल्वर रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधी संपर्क क्रांति है ये, ठीक है। बात करते हैं अमृत क्रांति की, तो नदियों को जोड़ने की ये योजना है, ठीक है, अमृत क्रांति। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति, कृषि उत्पादन को दुगना करना टिकाऊ कृषि सदाबहार क्रांति संबंधित है। इंपॉर्टेंट रहता है गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा मछली से संबंधित है ये, ठीक है। लाल क्रांति है टमाटर से और मांस उत्पादन से संबंधित। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? आंसर है उष्ण एवं शुष्क जलवायु में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? राइट आंसर है मूंगफली। ओस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो ये दोनों ही ओस और बोरो ये धान की दोस्तों धान की किस्में हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? राइट आंसर है मूंगफली की। किसकी? मूंगफली की। आगे बात करेंगे, स्लाइड आई है प्रमुख कृषि संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये आपके कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मनीला में है, ठीक है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ये है अलेप्पो में। कहां पर? अलेप्पो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है? तो ये है आपके मुंबई में, इसका मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपके मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको में। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? आंसर है दलहनी में। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट आया है, दलहनी फसलों हेतु कोवाल्ट आवश्यक है तथा कोवाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन अथवा किन राज्य या राज्यों से प्राप्त होता है? तो ये मिलता है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। नॉर्मन आर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से हैं? देखिए दोस्तों हरित क्रांति के जनक तो हैं बोरलॉग, हम सभी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया ये किस देश के हैं,
तो याद रखिएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादक दोनों में हुआ है? राइट आंसर है गेहूं में। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? राइट आंसर है मैक्सिकन गेहूं का। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के अंतर्गत निर्यात प्राप्त होती है? राइट आंसर है चाय से। लाल बिगलन यानी कि रेड रूट किस फसल का रोग है? तो ये गन्ने का रोग है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है, मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 1986 में। कब की गई? 1986 में। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 140 दिन। देखिए, प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उनके मुख्यालयों के बारे में यहां पर बात की गई है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बना लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, बना लेता है एग्जामिनर। तो देखिए, पहला है कॉफी बोर्ड, तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में। नेक्स्ट है रबर बोर्ड, रबर बोर्ड का मुख्यालय है कोट्टम केरल में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चाय बोर्ड की, तो चाय बोर्ड का मुख्यालय है आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड की बात करें तो तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है मसाला बोर्ड, देखिए मसाला कोची में है, ये केरल में। ठीक है, मसाला बोर्ड का मुख्यालय। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में। देखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर दी गई है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों में की जाती है। देखिए, एक स्लाइड आई है, भारत में झूम कृषि के प्रकार। ठीक है, झूम कृषि के प्रकार, किस प्रकार की कृषि के ये झूम के झूम को कहां कहां अपनाया गया है, देखिए बता रहा है। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य जहां पर असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की बात कर रहा है, यहां पर कृषि का प्रकार है झूम। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश उड़ीसा। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में झूम कृषि के प्रकार किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए, इनके नाम है पोंदू, पामाडावी, कैमन और बरीगा। पश्चिमी घाट में झूम कृषि का प्रकार है कुमारी, क्या नाम है इसका? कुमारी। और केरल में नाम है इसका पूनम या पोड़म। ठीक है, झूम खेती का ही प्रकार है ये। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर इसको बीवर या दहिया या फिर सॉरी बीवर या दहिया तथा मशान, पेंडा और बीरा, ये सभी यहां पर झूम खेती के प्रकार हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालारा के नाम से, मणिपुर में पामलू, पामलू के नाम से, हिमालय क्षेत्र में खिल के नाम से और झारखंड में कुरुल या कुरवा के नाम से, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दीपा के नाम से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा के नाम से जाना जाता है। ये सभी झूम खेती के ही प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। और किस राज्य में किस नाम से जाने जाते हैं ये यहाँ पर बतलाया गया है। अगली स्लाइड में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? राइट आंसर है गन्ना। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को। किसको कहते हैं? केरल को। देखिए, ये फैक्ट है, यहाँ पर एक बॉक्स में दिया गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो देखिए, काला सोना कहते हैं हम काली मिर्च को। किसको? काली मिर्च को। भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है महाराष्ट्र में। शक्तिमान एक व और शक्तिमान टू किस फसल की अनुवांशिक परिवर्तित रूप है? तो ये है मक्का की। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, यानी कि कमर्शियल स्तर पर? तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और 24 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त तो माना जाता है। किसके लिए? चाय की खेती के लिए। प्रसंस्करण हेतु यानी कि प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो यह है कुफरी चिप सोना टू। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ललित दोस्तों अमरूद की एक उन्नत किस्म का नाम है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ
यानी कि जिसको कोदू भी कहते हैं, का निर्यात अधिकतर किस देश में किया जाता है? आंसर है जापान में। निर्वाहक मूल कृषि के अंतर्गत मोटे अनाज तथा चावल का उत्पादन किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए अदरक में हम खाते हैं प्रकंद को, किसे? प्रकंद को। भारत का कौन सा राज्य खदान उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? आंसर है उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है गरम मसाले के लिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहां पर स्लाइड आई है, प्रमुख कृषि संस्थान यहां पर दिए गए हैं और उनके बताया गया है कि ये किस स्थान पर है। तो पहला है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, ये आपका हैदराबाद में है। इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, ये आपके कटक में है। भारत डेयरी निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये आपका आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, कहां पर है? करनाल में। गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान है चिक मैंगलोर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन, ये है आपके जोधपुर में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। दोस्तों कहां पर? जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म हैसरघट्टा में है ये। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है, कहां पर? पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा एवं जीव विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है, कहां पर? बेंगलोर में। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है, जबकि पशु चिकित्सा जैविकी ये गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में है, कहां पर? रांची में। देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर दी गई है, क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं हम लोग। लिखा है मालवीय, मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर यानी कि तूर की प्रमुख किस्में हैं ये सब। भारत पे दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है असम। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये गेहूं की फसल है, ठीक है, किस्म है। पैगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? राइट आंसर है मूंगफली के लिए। देखिए फैक्ट है झूम कृषि एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दलहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज को ही हम कहते हैं गहन कृषि। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? आंसर है सरसों एवं बाजरा का। देखिए फैक्ट लिखा है भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल एवं तमिलनाडु में। क्वेश्चन बनता है यहां से ध्यान रखिएगा। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। उखटा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? आंसर है चना को। किसको करता है? चना को। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है केरल। भारत के किस राज्य में कहावा, रबर और तंबाकू की कृषि की जाती है? सही आंसर है कर्नाटक में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो यह आता है एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में चार गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? तो देखिए घटते क्रम में है, तो पहला है उत्तर प्रदेश यानी कि सबसे ज्यादा होता है यहाँ, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, ठीक है, घटते क्रम में है।
किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो देखिए गन्ना और गेहूं सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक किस राज्य में होता है? ये होता है गुजरात में। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति संबंधित है। भारत में चीनी के प्रथम तीन अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो देखिए चीनी के अग्रणी तीन उत्पादक राज्य हैं, पहला है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? सही आंसर है गुजरात। ठीक है, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1984 में की गई राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना। देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लास्ट में दी गई है, क्या कह रहा है? सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं जूट को। पशुपालन, बीसपी पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? आंसर है मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने। बीसवीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु 35.94% हैं, जबकि भैंस हैं आपका 20.45%, बकरी हैं 27.80% और भेड़ की संख्या है 13.87%। वहीं सुअर की बात करें तो 1.69% और अन्य पशु हैं 0.25%। 0.25% प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये है आपके बिहार में। कहां पर है? बिहार में। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो देखिए इसका नाम है जमुना पारी। गाय की धार पार कर प्रजाति कहां पाई जाती है? तो ये राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में हुई 23%, तत्पश्चात तेलंगाना में 22% देखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है पहला स्थान है। कौन सा है दोस्तों? पहला स्थान है भारत का। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो यह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, जिसका सूत्र है CaCO3। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो इसका नाम है लेग हॉर्न। क्या नाम है? लेग हॉर्न। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, यहां पर स्लाइड दी गई है, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है सूरतगढ़ जो कि राजस्थान में है, अगला है धम रोड जो कि गुजरात में है, इसके बाद है अलमाड़ी तमिलनाडु में, फिर है चिपलीमा और सुनवेड़ा उड़ीसा में, हेसरगट्टा कर्नाटक में है, जबकि अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में है। ये केंद्र गाय और भैंस के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशीतित वीर का उत्पादन करते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रीय प्रशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हेसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के लिए सांड और भैंसों का वीर उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दुग्ध उत्पादन और वितरण से संबंधित है। देखिए ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण की यहां पर समय अवधि दी गई है। पहला ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, इसका समय रहा जुलाई 1970 से मार्च 1981। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का समय रहा अप्रैल 1981 से मार्च 1985, जबकि ऑपरेशन फ्लड थर्ड का समय रहा अप्रैल 1985 से मार्च 1996। भैंसों की देसी नस्ल की तीन प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो देखिए पहली है मुर्रा, फिर है नीली रावी, उसके बाद है जफरावादी। ठीक है, देखिए स्लाइड दी गई है, स्लाइड में बताया गया है, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, पशुधन जनगणना के अनुसार यहां पर भेड़ 13.87% है, गाय बैल है 35.94%, भैंस की संख्या है 20.45% और सुअर है 1.69%, जबकि अन्य पशु है 0.25% और बकरी है 27.80%। ये है आपकी 20वीं पशुधन गणना 2018 की बात है। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है स्टॉक फार्मिंग।
20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो ये हिसार में है जो कि हरियाणा में पड़ता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। ठीक है, देखिए स्लाइड आई है। देश में दुग्ध उत्पादन के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में है, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना में, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकांठा, सिलीगुड़ी जालंधर में और इरोडा में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। देखिए एक यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए क्या कह रहा है। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। देखिए यहां पर अब हम बात करेंगे खनिज संसाधन की। तो देखिए खनिज को यहां पर दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, फिर है ऊर्जा खनिज। तो देखिए धात्विक खनिज में भी 3 प्रकार की खनिज है। धात्विक में पहला है लौह धातुएं जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे कि लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकल एवं कोबाल्ट, इसकी बात कर रहे हैं हम। फिर धात्विक खनिज को बांटा गया अलोह धातुओं में जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइड है। तीसरा है धात्विक खनिज में बहुमूल्य खनिज जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि है। बात करेंगे अधात्विक खनिज की, जैसे कि अवरक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म अथवा चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर इसमें आते हैं। ऊर्जा खनिज में कौन कौन आता है? तो ऊर्जा खनिज में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें। ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो यह है धारवाड़ तंत्र। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार हैं? तो यह है दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो यह है आपका कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य मूल की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो यह है राजस्थान। 2017-18 की बात कर रहा है ये। देखिए लोहे के यहां पर प्रकार दिए गए हैं। पहला है मैग्नेटाइट, इसके बाद हेमेटाइट, लीमोनाइट, फिर है सिडेराइट। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है इसको लोहे अयस्क को। भारत में लोहा अयस्क किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है धारवाड़ में। प्रसिद्ध लोहा अयस्क खान जिसका नाम है कुद्रेमुख किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख है दोस्तों कर्नाटक में। राजस्थान के नाथरा किपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर है लोहा। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो बेलाडीला दोस्तों ये संबंधित है लोहा अयस्क से। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो ये भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं चूना पत्थर के। किसके? चूना पत्थर के। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है एल्यूमिनियम का। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से हैं? तो यह है उड़ीसा एवं गुजरात। भारत में टिन का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो टिन सबसे ज्यादा होता है छत्तीसगढ़ में। भारत का कौन सा राज्य अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी अवरक घाटी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। ठीक है, भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां मिलता है? तो यह राजस्थान के मकराना में मिलता है। क्वार्ट्ज जाइट किस पत्थर का कायंत्रित रूप है? तो यह है बलुआ पत्थर का। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एक अधिकार है? तो यह है उड़ीसा राज्य का। किसका है? उड़ीसा राज्य का। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांबर झील से होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट कहां बनाए जाते हैं? तो ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो ये मिलता है मोनोजाइट मिलता है यहां पर। क्या मिलता है? मोनोजाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट यहां पर लाइन दी गई है नीचे, इसको देखते हैं क्या लिखा है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज जिला तथा क्यूंझर में
बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है? देखिए स्लाइड में बात करेंगे वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान कितना है, ठीक है, एक एक करके हम इसको देखेंगे। देखिए एल्यूमिना की बात करें तो भारत का स्थान है चौथा यहां पर विश्व में, और 5% योगदान करता है विश्व उत्पादन का, ठीक है। अब इसको मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, 5% बोलूंगा केवल, क्या है ये, विश्व उत्पादन में योगदान है भारत का। क्रोमाइट में भारत का स्थान है तृतीय और परसेंटेज है 8.20। बायराइट में तृतीय स्थान है भारत का, प्रतिशत है इसका 13.54। कोयला एवं लिग्नाइट में भारत द्वितीय स्थान पर है विश्व में उत्पादन में, और परसेंट है 8.13। लोहा अयस्क में भारत का चौथा स्थान है, प्रतिशत है 4.69। जिंक उत्पादन में भारत का स्थान है विश्व में तीसरा, प्रतिशत है 5.7। स्टील कच्चा द्रव्य में भारत का तीसरा स्थान है, परसेंट है 5.56। एल्यूमिनियम में भारत का पांचवा स्थान है, जबकि प्रतिशत है विश्व उत्पादन योगदान में 4.08। ताम्र रिफाइंड में सातवां स्थान है, परसेंट है 3.45। अभ्रक में 16वां स्थान है, कच्चा अभ्रक में, ठीक है, कच्चे की बात कर रहा है, 16वां विश्व में, परसेंट है 0.5। काइनाइट एंडूसुलाइट एवं सिलिमेनाइट में तृतीय स्थान है और परसेंट है 18.72 विश्व योगदान में। अगला है मैग्नीज अयस्क, भारत का स्थान है विश्व में छठवां उत्पादन में, और योगदान प्रतिशत में है 4.0। कच्चे तेल में है 23वां स्थान, परसेंट में बात करें 0.9%। बॉक्साइट में भारत का स्थान है पांचवा, प्रतिशत में है 9.57। सीमेंट में दूसरा स्थान है भारत का, ठीक है, और प्रतिशत है 6.9। ग्रेफाइट प्राकृतिक की बात कर रहा है, भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है, यहां पर। बेंटोनाइट में स्थान है भारत का चौथा। रॉक फास्फेट एवं एपेटाइट में 16वां स्थान है, प्रतिशत की बात करें 0.56 है। सीसा में 2012 की रिपोर्ट के अनुसार 14वां स्थान है, प्रतिशत की बात करें 1.36 है। पाइरोफाइलाइट 2012 के अनुसार दूसरा स्थान है भारत का यहाँ पर। स्टीयटाइट में दूसरा स्थान है 2012 के अनुसार। टॉल्क यानी कि सेल खड़ी में दूसरा स्थान है, और परसेंट की बात करें तो 15.3% है। देखिए अगली स्लाइड है कुछ अन्य खनिज भंडार और उनके उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, कि यहाँ कहाँ कहाँ ये होते हैं, भारत की बात कर रहा है ये केवल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है निकिल, ये होता है उड़ीसा में 92.0%, और झारखंड में भी होता है। टंगस्टन होता है दोस्तों मुख्य भंडार भारत में, कर्नाटक है, राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है। बायराइट्स में बात करें तो आंध्र प्रदेश में होता है 94%। फायरलेक्स ये होता है गोंडवाना या टर्सियरी कोयला संस्तरों में, ठीक है। फ्लोराइट की बात करें तो मुख्य भंडार इसके गुजरात और राजस्थान में है। काओलिग्नाइट इसके मुख्य भंडार हैं राजस्थान एवं गुजरात में। गार्नेट की बात करते हैं, गार्नेट आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। एपेटाइट के मुख्य उत्पादन भंडार हैं आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं मेघालय। एस्बेस्टास राजस्थान एवं कर्नाटक में होता है। फेल्सपार राजस्थान एवं तेलंगाना में। देखिए सल्फर और पायरेट के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। अगला है काइनाइट, मुख्य भंडार हैं आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। सिलिमेनाइट इसके मुख्य भंडार हैं तमिलनाडु एवं उड़ीसा में। देखिए झारखंड, झारखंड में मुख्य क्षेत्र किसका है, कटक कुंजुर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुख्य उत्पादन भंडार दिए गए थे, मैंने भंडार आपको बता दिए सभी के, अब यहाँ पर राज्यों की बात कर रहा है। तो देखिए मुख्य उत्पादक राज्य है, देखिए निकेल में है झारखंड, टंगस्टन में राजस्थान महाराष्ट्र, बायराइट्स में है कौन सा, आंध्र प्रदेश राजस्थान, फायरलेक्स में है गुजरात राजस्थान, फ्लोराइट में है गुजरात महाराष्ट्र, कायोलिग्नाइट में है राजस्थान गुजरात, गार्नेट में है तमिलनाडु उड़ीसा, एपेटाइट में है पश्चिम बंगाल, मुख्य उत्पादक राज्य है ये। एस्बेस्टास में है राजस्थान आंध्र प्रदेश, फेल्सपार में है तेलंगाना राजस्थान, सल्फर में है हरियाणा गुजरात, पायराइट्स में है बिहार राजस्थान, काइनाइट में है झारखंड एवं राजस्थान, ठीक है, और सिलिमेनाइट में है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। इसको पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम, अब बात करेंगे हम ऊर्जा की।
ठीक है। तो देखिए ऊर्जा संसाधन को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहले हम इस भाग को देखेंगे। देखिए ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, पहला है नवीनीकरण ऊर्जा, दूसरा है अनवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा में देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वैद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा का यहाँ पर नाम बताया गया है, ठीक है। अब इनके यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अनवीनीकरण ऊर्जा में देखिए दो भागों में बांटा गया है, दो भाग नहीं एक ही है, देखिए बस इनको बताने का तरीका इसका अलग हो गया। यहाँ पर कोयला है इसके अंदर, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है और सेल गैस है। किसमें? अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन में। अब यहां से इस देखिए एक एक करके क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम कवर करेंगे। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों का अंश का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए सबसे ज्यादा तापीय, इसके बाद ये घटता क्रम है, देखिए ग्रेटर देन लगाए ना, ये बड़ा है, इसके बाद जल, फिर वायु, फिर आणविक। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सही आंसर है 2009 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड स्थापित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काकरा पारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, काकरा पारा परमाणु विद्युत संयंत्र गुजरात में है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। पेट्रोल के उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। कहां पर? गुजरात में। देखिए इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, ठीक है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से 69.4 ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस शामिल है, से होता है, जबकि 14.8% अक्षय ऊर्जा स्रोत से, 13.9% पनबिजली से और 1.9% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है, इसके साथ गोबर से 30% और अपशिष्ट पदार्थ 10% भी का भी पर्याप्त महत्व यहां पर बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहां स्थापित किया गया है? तो ये कोटा राजस्थान में किया गया है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? सही आंसर है तमिलनाडु का। किस राज्य का है? तमिलनाडु का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? तो यह है थोरियम। भारत का कौन सा सेल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? तो यह है गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला उत्पादन अग्रणी तीन राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो पहला है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक की बात करें तो झारखंड में पाए जाते हैं, किसके? कोयला के सर्वाधिक भंडार। अब हम बात करेंगे भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र की, ठीक है, ठीक है। तो चलिए पहला है आपका नेल्लोर, फिर है विजयवाड़ा ताप विद्युत केंद्र स्टेशन, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। रामागुंडम, भद्राचलम, कोट्टागुदेम और मानुगुरु, ये सभी ताप विद्युत केंद्र तेलंगाना में है। बोईगांव, चंद्रपुरा, कामरूप ताप विद्युत केंद्र कहाँ पड़ते हैं? असम में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बरौनी ताप विद्युत केंद्र ये बिहार में है और कहलगांव भी बिहार में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरवा विद्युत केंद्र स्टेशन, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, राजघाट, ये सभी ताप विद्युत केंद्र दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में। चलिए गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र दिए गए हैं। पहला है अहमदाबाद, बनास, धुबारम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुवा, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उकाई ताप केंद्र, ठीक है, गुजरात में है। उतारन और बाशंक बोरी, ये सभी गुजरात में है। इंपॉर्टेंट है फरीदाबाद स्टेशन, हरियाणा में पड़ता है ये, और हरियाणा के ही इंपॉर्टेंट है पानीपत और यमुनानगर। कालाकोट ताप विद्युत केंद्र इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू कश्मीर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोकारो ताप विद्युत केंद्र, झारखंड में है ये, और झारखंड के ही इंपॉर्टेंट है सतपुड़ा और स्वर्णरेखा। मध्य प्रदेश के देख लेते हैं ताप विद्युत केंद्र, देखिए इनके नाम है अमरकंटक, सतपुड़ा और सिंगरौली, इसमें सिंगरौली इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ताप विद्युत केंद्र के नाम दिए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ट्रांबे, उसके बाद देखिए आप नाम यहाँ पर हम देखेंगे बल्लार शाह,
भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापरखेड़ा, खापरखेड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा जाता है खापरखेड़ा, कुराड़ी, नासिक, पारस, पारले, उज्जैनी, उरान, ये सभी महाराष्ट्र के ताप विद्युत केंद्र हैं। लोकटक ताप विद्युत केंद्र आपका मणिपुर में है। बटिंडा व रूपनगर ताप विद्युत केंद्र पंजाब में है। अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवई माधोपुर ताप विद्युत केंद्र ये राजस्थान के हैं, ठीक है। बाली मेला और तलचर ताप विद्युत केंद्र उड़ीसा के हैं, और ध्यान रखिएगा तलचर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तलचर। तमिलनाडु के मोस्ट इंपॉर्टेंट ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो इसमें पहला एन्नोर है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है तूतीकोरन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैटूर और नेवेली, ये सभी तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट ताप विद्युत स्टेशनों में से देखिए पारीछा और पनकी, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओबरा का ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है ये। बाकी की भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ। बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, दरुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट ताप विद्युत केंद्र, पहला है बीरभूम, बुंदेला, दुर्गापुर, सबसे इंपॉर्टेंट है फरक्का, गौरीपुर, कालीकट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटीगढ़, ठीक है, टीटागढ़, ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या कह रहा है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ठीक है, लंबा हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है, कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में महानदी पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आती है कोयले के प्रकार की, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीट कोयला की, ठीक है, इसका उपनाम है निम्न कोयला। अब देखिए स्वरूप व कार्बन की मात्रा देख लें तो नमी की अधिक मात्रा व 40% से कम कार्बन होता है इसमें, ठीक है। अगला है लिग्नाइट कोयला, इसका उपनाम है भूरा कोयला, ठीक है, जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60% इसमें कार्बन होता है। इसके क्षेत्र देख लीजिए, तमिलनाडु में है अर्कट नवेली, असम में है लखीमपुर, पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, और कश्मीर में है करेवा क्षेत्र। इसके बाद है बिटुमिनास कोयला, काला कोयला कहते हैं इसको, इसमें कार्बन का परसेंट 60 से 80% होता है। ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। अगला है एंथ्रेसाइट कोयला, कठोर कोयला या उच्च श्रेणी का कोयला कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उच्च श्रेणी का कोयला, जलते समय ये धुआं रहित है और इसमें कार्बन 80 से 90% होता है, सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा है एंथ्रेसाइट में। जम्मू कश्मीर में रियासी जिला इसका क्षेत्र है, ठीक है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। कोरवा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन है कोरवा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ अवस्थित है? तो तालचेर है उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहां पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयले की खाने मुख्यतः कहाँ स्थित हैं? तो यह है झरिया में। कहां पर? झरिया, इंपॉर्टेंट है इस सब जगह। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में है? तो लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा विशाल भंडार है तमिलनाडु में। विश्रामपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कोयला के लिए। देखिए यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आई है, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र उत्पादन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है झरिया की खाने, ये है आपके झारखंड में, ठीक है। बोकारो, करनपुर और गिरिडीह, ये सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं झारखंड के। पश्चिम बंगाल में बात करें कोयला उत्पादन क्षेत्र की तो रानीगंज इंपॉर्टेंट है, बरजोरा और बीरभूमि, ये दोनों ही, ठीक है, रानीगंज और बीरभूमि। उड़ीसा का सबसे इंपॉर्टेंट कोयला उत्पादक क्षेत्र है तलचर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और बाकी की भी देखते हैं, संबलपुर है यहाँ पर, इव नदी घाटी भी है। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन क्षेत्र अगर बात करें तो उमरिया और सिंगरौली है, जिसमें उमरिया सॉरी सिंगरौली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, संदेहूरगढ़, मादरायगढ़ और विश्रामपुर हैं, जिसमें कोरबा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कोयला उत्पादक क्षेत्र गोदावरी घाटी और सिंगरेनी है। महाराष्ट्र में बरदा घाटी और कंपट बंदेर ये महाराष्ट्र के हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है तो ये होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। कहां पर? विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ? तो 1970 से 80 के मध्य।
हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्लाइड दी गई है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों की। तो भारत में तेल उत्पादन के चार प्रमुख क्षेत्र हैं निम्नवत इस प्रकार हैं। पहला है ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट दोस्तों स्लाइड है, लाइन दी गई है, क्या कह रहा है? विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एचवीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो ये होता है दक्षिणी बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? आंसर है बंबई हाई से। KG D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार हैं? तो ये हैं प्राकृतिक गैस के। किसके हैं? प्राकृतिक गैस के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया? तो ये किया गया असम में। इसका जगह का नाम है माकुम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो ये है डिगवोई असम की। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो इसका नाम है रावतभाटा, ठीक है, रावतभाटा, जो कि राजस्थान में है। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो इसका नाम है खंभत की खाड़ी। अब देखिए यहां पर एक स्लाइड आ रही है जिसमें बताया गया है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं और भारत में तेल शोधन संयंत्र कहाँ कहाँ हैं, इनकी स्थापना वर्ष कौन सा है, इनको हम देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा स्लाइड। तो देखिए पहला है डिगबोई, ये आपके असम में पड़ता है, ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष है 1901 में से स्थापित किया गया। अगला है ट्रांबे, इंपॉर्टेंट है, देखिए ट्रांबे के दो हैं बंबई में, एक है HPCL का, दूसरा है BPCL का, दोनों ही महाराष्ट्र राज्य में है ये। पहले वाले की स्थापना की गई 1954 में, दूसरे वाले की 55 में। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है संयंत्र, स्थापना वर्ष है 1957। इंपॉर्टेंट है नूनामती गुवाहाटी में है ये, ठीक है, असम राज्य में, स्थापना वर्ष है 1962। इंपॉर्टेंट दोस्तों बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार में है, स्थापना वर्ष है 1964, ठीक है। कोयली ये आपकी गुजरात में, स्थापना वर्ष 1965। कोची तेल संयंत्र है केरल में, स्थापना वर्ष है 1966। मनाली यह है तमिलनाडु में, स्थापना वर्ष है 1969 यानी कि 1969। हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये, स्थापना वर्ष 1975। बोगाई गांव असम में है ये, स्थापना वर्ष 1979। चेन्नई तेल रिफाइनरी तमिलनाडु में है ये, ठीक है, कहां पर? तमिलनाडु में। अगला है दोस्तों नागपट्टनम तमिलनाडु में है ये, स्थापना वर्ष है 1993। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है, स्थापना वर्ष है 1982। मैंगलोर तेल शोधन साला या ऑयल रिफाइनरी कह सकते हैं 1998 में है ये स्थापना वर्ष का। पानीपत करनाल हरियाणा में पड़ता है ये, स्थापना वर्ष 1998। नूमालगढ़ असम राज्य में है, स्थापना वर्ष 1999। इंपॉर्टेंट है जामनगर गुजरात में पड़ता है, स्थापना वर्ष है 1999। आगे बात करेंगे तातीपाका, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, स्थापना वर्ष 2001। बादीनार गुजरात में है, स्थापना वर्ष 2006। बटिंडा पंजाब में है, स्थापना वर्ष 2008। बीना मध्य प्रदेश में है, स्थापना वर्ष 2009। पारादीप उड़ीसा में है ये, स्थापना वर्ष 2010। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र, ठीक है, तो देखिए पहला है कैगा कर्नाटक में है ये, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा है कल्पक्कम तमिलनाडु में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है काकरापारा गुजरात में है ये, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आकर, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है? तो यह है 2.1%। अगली स्लाइड में दिया गया है भारत में 8 दावित भारी जल रिएक्टर संयंत्र। तो देखिए पहला है भारी संयंत्र, इसका नाम है नागल, पंजाब राज्य में है, स्थापना वर्ष है 1962। अगला है आपका भारी संयंत्र बड़ोदरा में, जो कि गुजरात में पड़ता है, राज्य मतलब गुजरात है इसका, स्थापना वर्ष 1980। तूतीकोरन भारी जल रिएक्टर संयंत्र तमिलनाडु में है ये, स्थापना वर्ष है 1978।
कोटा भारी जल रिएक्टर संयंत्र राजस्थान में है, स्थापना वर्ष है 1985। तलचर की बात करें, इंपॉर्टेंट है तलचर, ये आपके उड़ीसा में है, स्थापना वर्ष है 1985। थाल महाराष्ट्र में पड़ता है, स्थापना वर्ष है 1987। हजीरा गुजरात में है, स्थापना वर्ष है 1991। मानुगुरु तेलंगाना में है, स्थापना वर्ष है 1991। देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है, RPL जामनगर, SR बांदीनार निजी क्षेत्र के एवं HPCL भटिंडा, BPCL बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है। भूटान में भारत के सहयोग से संकोस मांग देखछु चुखा तथा ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है, जिसमें 2021 के करंट अफेयर में आपने ये सुना होगा मांग देछु, ठीक है, भूटान में है वो, भारत के सहयोग से इसको लगाया गया, चर्चा में रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए अगली स्लाइड में बात कर रहा है विद्युतकरण से संबंध संस्थान उपक्रम की, ठीक है। तो पहला संस्थान है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, NTPC, इसको हम कहते हैं, महारत्न कंपनी है ये, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है, स्थापना वर्ष है 1975, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पन बिजली निगम यानी कि NHPC, मिनी रत्न कंपनी है ये, फरीदाबाद मुख्यालय है, स्थापना वर्ष 1975। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, REC, नई दिल्ली में मुख्यालय है, स्थापना वर्ष है 1969। इसके बाद बात करेंगे भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड की, PTC इंडिया की, मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना वर्ष 1999। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI फरीदाबाद में है ये मुख्यालय इसका, और स्थापना वर्ष है 1965। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, स्थापना वर्ष है 2002। गेल की बात करेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और हिंदी में कहते हैं इसको भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, स्थापना वर्ष है 1984। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ONGC की बात कर रहा है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना वर्ष है 1956, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, स्थापना वर्ष है 1989। इंपॉर्टेंट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, स्थापना वर्ष 1964। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय नोएडा में है और स्थापना वर्ष है 1959। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है, तो यह है महाराष्ट्र में रामपुर, और भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है यह किस राज्य में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश में है। एक फैक्ट आया है देखते हैं, भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है, तत्पश्चात नवीनीकरण ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत है कोयला, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ध्यान रखना इसको। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है, तो यह है ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी का, किसका, थर्मल एनर्जी का। शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र वाले राज्यों की बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आता है तमिलनाडु, उत्पादन है इसका 9,231.77 मेगावाट। इसके बाद है आपका दूसरे नंबर पर गुजरात, उत्पादन मेगावाट में है 7,203.77 मेगावाट। तीसरे पर है महाराष्ट्र पवन ऊर्जा के उत्पादन में, इसका मेगावाट में उत्पादन है 4,794.13। चौथे पर है कर्नाटक, उत्पादन है मेगावाट में 4,753.40। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान 5वें स्थान पर आता है पवन ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य में, उत्पादन क्षमता मेगावाट में है 4,299। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है, तो यह है महाराष्ट्र में। अवरक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं, तो देखिए पहली है श्वेत अवरक, पीत अवरक और श्याम अवरक, ठीक है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमताओं की, ठीक है। तो पहला है कोयला आधारित स्रोत की बात कर रहा है, प्रमुख प्रयुक्त स्रोत है कोयला आधारित, इनके संयंत्रों की संख्या है 21, ठीक है, और क्षमता मेगावाट में है 39,555। नेक्स्ट है गैस एवं तरल ईंधन आधारित संयंत्र है 7, मेगावाट में क्षमता है 4,017। जल आधारित स्रोत की बात करें तो संख्या है संयंत्र की 1, मेगावाट में इसकी क्षमता है 800। नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाएं सौर ऊर्जा के मुख्य स्रोत प्रयुक्त स्रोत की बात करें तो इनकी संयंत्रों की संख्या है दोस्तों 12 और मेगावाट क्षमता है 50। अगला आता है पवन आधारित, 1 है संख्या संयंत्र की और मेगावाट 50 मेगावाट है इसका। भारत में ज्वारीय ऊर्जा से सर्वाधिक संभावनाएं कहां
पर हैं, तो ये है आपकी भावनगर गुजरात में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? राइट आंसर रूस। सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है सतारा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड यहां पर आई है, कह रहा है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, देखिए देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी। इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा, यानी कि कमर्शियल। देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड यहां पर आई है, क्या कह रहा है, एंथ्रेसाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% होती है, ठीक है, यानी कि एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। अब हम बात करेंगे परिवहन एवं संचार की। परिवहन एवं संचार, सड़क नेटवर्क अनंतम का कुल विस्तार, देखिए ये आपका स्रोत है वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई दी गई है 136,440 किलोमीटर, याद रखिएगा ये रिपोर्ट वार्षिक है 2020-21 के अनुसार। राज्य राजमार्ग कितना है 176,818 किलोमीटर और अन्य सड़कें हैं आपकी 59,59,00,000, ठीक है 59,02,539 किलोमीटर, ठीक है ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, तो यह है आपके महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो यह है महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, इंपॉर्टेंट परियोजना है ये, तो ये राजमार्ग से संबंधित है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है झांसी का, झांसी में, ठीक है उत्तर प्रदेश में पड़ता है झांसी शहर। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है, तो यह होता है राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह है NH-327B, कितना है 1.20 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में है ये। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो यह है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन है यहां पर इंपॉर्टेंट है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है, तो बड़ौदरा गुजरात में है रेलवे स्टाफ कॉलेज। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है, तो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। देखिए यहां पर बात कर रहा है स्लाइड में भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयों की, कारखाने की स्थापना वर्ष दिए गए हैं, निर्माण दिया गया है, क्या बनता है यहां पर, ठीक है। पहला है चितरंजन लोकोमोटिव, पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना की गई 1950 में, यहां निर्माण होता है विद्युत इंजन का, ठीक है ध्यान रखना। अगला है रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में, स्थापना वर्ष है 1952, यहां पर सवारी के डिब्बे बनते हैं, ठीक है सवारी डिब्बा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब वाली, पंजाब की बात कर रहे हैं हम, 1986 में इसकी स्थापना हुई, यहां पर रेल के डिब्बे बनते हैं। अगला है दोस्तों यहां पर डीजल इंजन आधुनिकरण कारखाना पटियाली पंजाब में, पटियाला पंजाब में 1981 में इसकी स्थापना हुई, यहां पर डीजल इंजन बनता है। फिर है डीजल लोको वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में, स्थापना वर्ष है 1961, यहां पर भी डीजल इंजन बनता है, ठीक है। चलिए अब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, पहला है NH-1, उरी बारामूला श्रीनगर कारगिल से लेकर लेह तक ये जाता है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है इसकी लंबाई है 422 किलोमीटर, ठीक है। अगला है NH-301, कारगिल में NH-1 से होकर जास्कर तक ये जाता है, ठीक है जास्कर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, आप सुनिए इसकी कुल लंबाई है 234 किलोमीटर। अगला है NH-701 दोस्तों बारामूला में NH-1 से प्रारंभ होकर राफियाबादा कुपवाड़ा तंगधार तक जाता है, इसकी लंबाई है 126 किलोमीटर। NH-2 की बात करें तो डिब्रूगढ़ शिवसागर अमगुरी कोहिमा इम्फाल सेलिंग सरचिप तुईपांग तक ये जाता है, ठीक है और इसकी लंबाई है 1,325.63 किलोमीटर। अगला है NH-3, अटारी से शुरू होता है और ये अमृतसर मनाली होता हुआ लेह तक जाता है, ठीक है
लंबाई है 883.18 किलोमीटर, सॉरी कितनी है 883.18 किलोमीटर। NH7 की बात करें तो फजिलका, पटियाला, पंचकुला, पोटा, साहिबा, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ से होकर ये माना तक जाता है। लंबाई है 845.25 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है NH9। तो देखिए मालोत NH7 से शुरू होकर सिरसा, हिसार, रोहतक, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रायपुर, रुद्रपुर, पिथौरगढ़, कर्णप्रयाग तक जाता है और इसकी लंबाई है 748.5 किलोमीटर। NH11 की बात करें, मयाजलर, जैसलमेर, पोखरण, बीकानेर, झुंझुनू, नारनूला, रेवाड़ी तक ये फैला हुआ है विस्तार इसका। लंबाई है 847.7 किलोमीटर। NH16 की बात करें, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक है और ये कोलकाता, खड़गपुर, भुवनेश्वर, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, नेल्लोर से लेकर चेन्नई तक फैला हुआ है। लंबाई है इसकी 1,621.62 किलोमीटर। अगला देखते हैं NH19। आगरा NH44 से कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, बरही, आसनसोल, कोलकाता NH16 तक ये जाता है। लंबाई है 1,269.17 किलोमीटर। नेक्स्ट है NH44, श्रीनगर से लेकर श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सिवनी, नागपुर, हैदराबाद, कुरनूल, कृष्णगिरी से होकर कन्याकुमारी तक ये जाता है। इसकी लंबाई है 3,745 किलोमीटर। ठीक है, अब तक का सबसे लंबा है ये। ठीक है, चलिए NH48 दिल्ली से शुरू होकर चेन्नई तक जाता है ये। अब देखिए बीच में देखिए, बावल, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, मुंबई, पुणे, बेलगाम, बेंगलोर, बेल्लोर से लेकर चेन्नई तक है इसकी लंबाई और ये 2,628.51 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगला है आपका NH66, पनवेल, राजापुर, पणजी, कारवार, मैंगलोर, कुन्नूर, एर्नाकुलम से लेकर तिरुवनंतपुरम तक ये जाता है। इसकी लंबाई है 1,640.66 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो रोहा जो कि महाराष्ट्र में है और मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है, इन दोनों को जोड़ता है आपस में। कौन? कोंकण रेलवे। देखिए यहां पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये दी गई है नीचे, इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है। उत्तर दक्षिणी गलियारा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 3,745 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक दूरी तक तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो यह है विवेक एक्सप्रेस। कितना किलोमीटर रास्ता तय करती है? 4,273 किलोमीटर। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके कन्याकुमारी में। कोची मंगलुरु, देखिए स्लाइड लगा लूं पहले मैं, हाँ देखिए क्वेश्चन देखिए अब। कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 450 किलोमीटर। आयात 9 भार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो यह है आपका कांडला बंदरगाह, जिसका अब नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो यह है काकीनाडा। ठीक है, कौन सा है? काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत के 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में यहां पर बताया गया है, इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है। पहला है कांडला बंदरगाह, अब इसका नाम बदलकर दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए मुंबई बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। ठीक है, मुंबई बंदरगाह। फिर है निहावा शेवा बंदरगाह, इसके बारे में खासियत क्या है? इसका नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। मार्मुगाओ, देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है ये। इसके बाद है न्यू मैंगलोर, आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है ये। कोचीन, अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है ये, ध्यान रखिएगा कोचीन बंदरगाह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अब हम बात करेंगे तूती कोरन की, इसका नया नाम है बीओ चिदंबरम चिदंबर नार बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये, कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। बात करेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह की, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सबसे गहरा बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है। पारादीप बंदरगाह, इसका पोत सराय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, यह एक नदीय पतन भी है, इसकी खासियत है। एन्नोर बंदरगाह सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है ये, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसकी ये खासियत है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान कहाँ है? तो ये है आपके पटना में। अगला क्वेश्चन है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? सही आंसर है अमृतसर में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो यह है अलंग में। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी पर है कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम अब कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो यह आपका चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बहापतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो यह है हल्दिया बंदरगाह। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो उड़ीसा तट पर पारादीप बंदरगाह अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मारमू गांव पतन कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों बंदरगाह गोवा में है। कहां पर? गोवा में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बताया गया है, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग मार्ग वन, ठीक है। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। विस्तार देखिए इसका, इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ठीक है, और गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर बना हुआ है। इसकी विशेषताएं देखिए, यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत तक साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवाहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए तीन भागों में विभाजित किया गया। पहला है हल्दिया फरक्का, दूसरा है फरक्का पटना, तीसरा है पटना इलाहाबाद, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग टू, लंबाई है 891 किलोमीटर। सदिया से धुरवी तक है ये, और इसकी नदी प्रणाली है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। खासियत देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौवाहन योग्य है ये, जिसका भारत एवं बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग थ्री की बात करें, कुल लंबाई है 205 किलोमीटर, कोट्टापुरम से कोल्लम तक है ये केरल में। इसकी विशेषताएं देखिए, इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर, उद्योग मंडल नहर तथा चंपाकारा नहर शामिल हैं, ठीक है। इनकी लंबाइयां अभी यहाँ पर दी गई हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग फोर की बात करें तो इसकी लंबाई है 1095 किलोमीटर। विस्तार है इसका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुडुचेरी में। देखिए मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, इसकी विशेषता है। वजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर और काकीनाडा से पुडुचेरी 767 किलोमीटर, इसकी विशेषता है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग पाँच, लंबाई है 623 किलोमीटर, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। उड़ीसा में 532 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर इसका विस्तार है, ठीक है। अगली देखिए यहाँ पर जो स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड में आपको बताया गया है देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। तो पहला है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए, ये नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में है। इसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कलकत्ता में है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। कहाँ पर? अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम में, ठीक है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है ये। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है दोस्तों। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है ये। अगला है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है आपका कोचीकोड में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये श्रीनगर में है। नेक्स्ट है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हैदराबाद में है। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोची में है। फिर है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपके पोर्ट ब्लेयर में है। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। और भी यहां पर इंपॉर्टेंट देखते हैं हम, डेबो लिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है ये।
कैंप घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जयपुर में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तिरुचिरापल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। कहाँ पर, वाराणसी में। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया, आंसर है नेहावा शेवा, जिसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसको कहते हैं। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का कब प्रारंभ की, यानी कि स्पीड पोस्ट। ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट तो हम सुनते हैं हिंदी में, देखिए द्रुत डाक सेवा ये 1986 में शुरू की गई। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमान पतन कोचीन विमान पतन है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1882 में हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे प्रमुख तेल पाइपलाइन की, तो पहली पाइपलाइन है यहाँ पर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 1750 किलोमीटर। दूसरी है सलाया कोयली मथुरा पानीपत पाइपलाइन, इस पाइपलाइन की कुल लंबाई है 1870 किलोमीटर। नेक्स्ट है कांडला भटिंडा पाइपलाइन, इसकी लंबाई दोस्तों 1131 किलोमीटर। इसके बाद है मुंबई पुणे मान मनमाड़ पाइपलाइन, लंबाई है 1389 किलोमीटर। बात करेंगे दुलिया जान बोंगाई गांव बरौनी, इसकी लंबाई है पाइपलाइन की 1405 किलोमीटर। नाहर कटिया नूनामती बरौनी पाइपलाइन की लंबाई है 1152 किलोमीटर। मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन की कुल लंबाई है 1174 किलोमीटर। बरौनी हल्दिया पाइपलाइन की कुल लंबाई है 943 किलोमीटर। बरौनी पटना कानपुर पाइपलाइन की कुल लंबाई है 443 किलोमीटर। चेन्नई त्रिची मदुरै पाइपलाइन की कुल लंबाई है 683 किलोमीटर, जबकि जामनगर लोनी पाइपलाइन की लंबाई है 1069 किलोमीटर। एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर दी गई है, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। उद्योग स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती हैं, सही आंसर है मैग्नीज क्रोमियम और निकेल। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, आंसर है रूस की सहायता से। देखिए यहां पर एक स्लाइड आ रही है, यहां पर लिखा है भारत के लोह इस्पात कारखानों की अवस्थिति, ठीक है, और लोहा आयस्क की प्राप्ति का स्रोत। तो देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे हम, उड़ीसा की गुरमाही सानी व मयूरभंज की नो आ मुंडी खानों से यहां पर लोहा आयस्क निकाला जाता है। इनका स्थान, इसका स्थान क्या है, जमशेदपुर। अगला है छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के क्यूंझर खानों से लोहा आयस्क निकाला जाता है, स्थान है बर्नपुर। फिर है बाबू बुदन पहाड़ी, यहां से लोहा आयस्क की प्राप्ति की जाती है, ये इसका स्थान है, मतलब कि स्थान संबंधित है भद्रावती। फिर है छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से लोहा निकाला जाता है, स्थान है दुर्गापुर, ठीक है जी। आप जी आप इसको समझिए, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये इसके कारखाने बताए गए हैं पहले स्थान पर, ठीक है, कारखाने हैं लिखा है ना, कारखाने कहाँ से निकाला जाता है लोहा और इसके कारखाने कहाँ बनाए गए हैं, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए आगे और समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए अगला, देखिए उड़ीसा कुंझर बुनगोई क्षेत्र से लोहा निकाला जाता है और इसका लोहे का प्रयोग यानी कि कारखाना यहाँ लगाया गया, कहाँ, राउरकेला में। अगला है डल्ली राजहरा क्षेत्र से बिराई कारखाना है ये। फिर अगला स्रोत है उड़ीसा से लौटते खाली बैगनों के द्वारा, कारखाना है इससे संबंधित बोकारो। फिर है बेलाडीला की खान से लोहा निकाला जाता है यानी कि उत्पादन किया जाता है, यह है विशाखापट्टनम इसका कारखाना। फिर है उड़ीसा से क्यूंझर बुनाई क्षेत्र से कारखाना है पारादीप में। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, तो यह है लोहा इस्पात उद्योग। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। और ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में मैंने प्रैक्टिस सेट में ये देखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज कौन सा है? तो यह है आपका चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है भोपाल। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो भारत में रबर उद्योग पणजी में स्थित है। कहां पर? पणजी में। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र जमशेदपुर झारखंड में है दोस्तों। ये भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये झारखंड के सिंदरी में लगाया गया था। ठीक है, देखिए एक फैक्ट है, भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 में कोलकाता के पास रिसार में शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लौस्टर में इसको लगाया गया था। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? सही आंसर है कागज उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है जामनगर गुजरात में। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लोह इस्पात कारखाने। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले लोह इस्पात कारखाने लगाए गए कहाँ कहाँ, कौन सा है? देखिए पहला है आपका कुल्टी, स्थान है कुल्टी, कुल्टी में लगाया गया, राज्य है पश्चिम बंगाल, स्थापना वर्ष है 1874। अगला है साक्ची स्थान, क्या? साक्ची स्थान झारखंड में है ये, यहाँ पर लोह इस्पात कारखाना लगाया गया स्वतंत्रता से पूर्व, समय है 1907 का। अगला लगाया गया हीरापुर में लोह इस्पात कारखाना, ये पश्चिम बंगाल में है, स्थापना वर्ष है 1908। नेक्स्ट है भद्रावती स्थान, यहाँ पर लोहा इस्पात का कारखाना लगाया गया, ये कर्नाटक में है, समय है 1823 का। बरनापुर में लगाया गया लोहा इस्पात संयंत्र स्वतंत्रता से पूर्व, ये पश्चिम बंगाल में है, समय है 1937 का। देखिए यहाँ पर एक लाइन दी गई है, क्या कह रहा है पढ़ते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी, इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए अगली स्लाइड में बात करेंगे कुटीर उद्योग के विकास हेतु सरकारी संस्थाओं की। तो पहली संस्था है कुटीर उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना की गई 1948 में। नेक्स्ट है केंद्रीय सिल्क बोर्ड, स्थापना वर्ष है 1949। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। और फिर है आपका अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, इंपॉर्टेंट है, स्थापना वर्ष है 1954। नेक्स्ट बात करें लघु उद्योग बोर्ड, स्थापना वर्ष है 1954। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थापना वर्ष है 1990। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोहा इस्पात उद्योग में लोहा अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना है? तो यह आपका 4:2:1 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या कह रहा है, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया? राइट आंसर है चेन्नई में। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेंगलोर को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? तो ये तमिलनाडु के रानी पेट में लगाया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे 10 महारत्न कंपनियों के बारे में। स्थापना वर्ष दिया है, दर्जा दिया है, कब दर्जा दिया गया इसको महारत्न का, और मुख्यालय कहां पर है? तो पहली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1964, और इसको दर्जा दिया गया महारत्न का 2010 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्थापना वर्ष 1975, दर्जा दिया गया 2010 में इसको महारत्न का, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओएनजीसी की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्थापना वर्ष 1956, दर्जा दिया गया 2010 में, मुख्यालय देहरादून में है। सेल की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना वर्ष है 1973, दर्जा दिया गया 2010 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1975, दर्जा दिया गया इसको महारत्न का 2011 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1964, दर्जा दिया गया 2013 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है दोस्तों गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है,
स्थापना वर्ष 1984, दर्जा मिला इसको भारत का 2013 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1977 में स्थापित हुआ, 2017 में इसको दर्जा दिया गया और मुख्यालय मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना है 1989, दर्जा दिया गया 2019 में, मुख्यालय गुरुग्राम में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना वर्ष 1974, दर्जा दिया गया 2019 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। देखिए अब यहाँ पर कुछ उद्योग दिए गए हैं, उनके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ ये बताया गया। तो पहला है आपका सूती वस्त्र उद्योग, इसके प्रमुख केंद्र हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है रेशम उद्योग, रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट है ऊनी वस्त्र उद्योग, इसके प्रमुख केंद्र हैं कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर। कृत्रिम वस्त्र उद्योग की बात करें तो प्रमुख केंद्र हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। जूट उद्योग की बात करें तो उसके प्रमुख केंद्र हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं बिहार। चीनी उद्योग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं उत्तर प्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीमेंट उद्योग, प्रमुख केंद्र है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सीसा उद्योग इंपॉर्टेंट है, प्रमुख केंद्र है पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है दोस्तों पीतमपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पीतमपुर, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पंजाब का होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है लुधियाना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर स्लाइड आई आपकी 14 नवरत्न कंपनियों की, इनकी स्थापना कब की गई और कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं। तो पहली है MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई 1986 में। कब? 1986 में। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई 1954 में। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है, स्थापना वर्ष है 1940। बात करेंगे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, इसकी स्थापना की गई 1958 में। बात करें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की, स्थापना वर्ष है 1969। कब है? 1969। अगला है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, स्थापना वर्ष 1981। फिर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना वर्ष है 1986। भारतीय नौवाहन निगम, इसकी स्थापना की गई 1961 में। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई 1956 में। इंपॉर्टेंट है ऑयल इंडिया लिमिटेड, स्थापना की गई इसकी 1959 में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, स्थापना वर्ष है 1982 इसका। नेक्स्ट है आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, स्थापना वर्ष है 1965। कंटेनर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड, स्थापना वर्ष है 1988। और लास्ट है आपका राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना वर्ष है 1960। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है भाई, इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज का प्रथम मिल स्थापित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए लाइन। जनसंख्या एवं नगरीकरण, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना सूची का विषय है, तो यह है संघ सूची का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वीं सूची भी बताई गई आपको, अनुच्छेद भी बताया गया और पूछा गया है किस सूची में है ये, संघ सूची में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह है लगभग 121 करोड़। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं? आंसर है 7। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हम चल रहे हैं, आंसर है 17.5%। इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है यहां से, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना था? तो यह था 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो यह था बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहां पर आंसर है इसका। ठीक है, बताया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है यहाँ पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो यह है 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए पुरुषों की जनसंख्या है 62.32 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो महिलाएं हैं
58.7 करोड़, यानी कि 58.75 करोड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़ व्यक्ति हैं यहाँ पर। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यह है सिक्किम, 6.10 लाख व्यक्ति हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह आपका दिल्ली, 1.6 करोड़ व्यक्ति हैं। ठीक है, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य का अवरोही क्रम क्या है, तो देखिए सबसे पहले गोवा, फिर मिजोरम, इसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, अवरोही क्रम है ये, बड़े से छोटा। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो यह है तमिलनाडु में। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, आंसर है 82.14%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, तो इनका नाम था सी चंद्रमौली। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, तो यह है दंतेवाड़ा जिले में। वर्ष 1911 से लेकर 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, इसलिए यह वर्ष बृहत विभाजक वर्ष कहलाता है। ठीक है, ग्रेट डिवाइड ईयर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो यह है लक्षद्वीप, 64.47 हजार व्यक्ति यहाँ पर। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, आंसर है 73.4%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, आंसर है 65.46%। सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो यह है केरल, 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो यह है आपका केरल, 96.11% पुरुष यहाँ पर साक्षर हैं। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है, आंसर है केरल में, 92.1%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो यह है बिहार, 61.8% इसका वो है, परसेंट में दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो यह है बिहार, 71.20% बताया गया है। ठीक है, प्रतिशत में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो यह भी बिहार है, 51.50% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो यह लक्षद्वीप, 91.95%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कुल लिंग अनुपात कितना है, तो 943 महिला 1000 पुरुषों पर। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो यह है केरल। ठीक है, केरल है, कितना है लिंग अनुपात, 1084। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो यह हरियाणा, 878 लिंग अनुपात है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंग अनुपात 919 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। अनुसूचित एवं जनजातियां, भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति समूह पाया जाता है, तो इसका नाम है मंगलॉइड। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो यह है आद ऑस्ट्रेलॉइड से। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो इसका नाम है व्हील। ठीक है, क्या नाम है, व्हील। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो यह है गुजरात में। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है, राइट आंसर है उत्तराखंड में। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार में मनाती, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, आंसर है गद्दी। क्या नाम है इसका, गद्दी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में कि कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, एक एक करके इनको देखेंगे। अब दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो आसानी से याद नहीं होता, लेकिन अगर हम धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ शब्द हमें दिमाग में बैठ जाते हैं, लेकिन पढ़ना इसको जरूरी है और एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति देखिए। पहली है आपतानी, डफला, मिसमी, सिंगफो, अबोर। नागालैंड की देखेंगे, नागालैंड की सबसे इंपॉर्टेंट है नागा, और सबसे ज़्यादा है इंपॉर्टेंट फिर कुकी। ये दो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं, बाकी की देखते हैं। कुन्याक, सेमा, गारो, कचारी, मिकिर, आगामी। ठीक है, मणिपुर की जनजाति देखते हैं, आगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मेकी, ये सभी मणिपुर की हैं।
मिजोरम की जनजातियों को देखते हैं, मीजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो और कुकी। ये दो इंपॉर्टेंट है, गारो और कुकी मिजोरम की सबसे ज्यादा। मेघालय की जनजातियों की बात करें, खासी, गारो, एग्जाम में पूछी जाती है ये, और जयंतिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी हैं, मिकिर, हाजंग, हमार, लाखेर और सीतेंग। ठीक है, आगे बात करेंगे त्रिपुरा में, देखते हैं त्रिपुरा की प्रमुख जनजातियां। त्रिपुरा की प्रमुख जनजातियां हैं त्रिपुरा, मूंग, मोग, रियांग, हलाम, लुसई, ओरांग, उचई और जमातिया। ठीक है, असम की देखते हैं जनजातियां। पहली है चकमा, डिमास, हाजेंग, सीथेंग और लालुंग, ये सभी असम की हैं। अंडमान निकोबार की देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओंग, ये एग्जाम में पूछी जाती है ओंग। ठीक है, फिर इसके बाद है सोमपेन, ये भी अंडमान निकोबार की जनजाति है, एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी की भी देख लेते हैं, सेंटेनलीज और जारवा। लक्षद्वीप की प्रमुख जनजाति है मालमिस, इंपॉर्टेंट है, सिंगल ही है, याद करना आसान रहेगा आपके लिए, मालमिस लक्षद्वीप की है। सिक्किम की देखिए दोस्तों, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं ये, लेपचा, भूटिया और शेरपा, ये सिक्किम की जनजातियाँ हैं। पंजाब की जनजाति है सांसी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा गद्दी। ठीक है, गद्दी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जनजाति। इसके बाद देखिए बकरवाल, गुज्जर, मून, चंगपा और बाल्टी, ये सभी जम्मू कश्मीर की हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, गद्दी, जाद और गुज्जर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होती हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की है किन्नौर, पंगवाली, सोगला। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों मुंडा, कमार और खरिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ की और भी हैं देखिए, आगरिया, धनवार, कोडाकू, सौर। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनजाति है बुक्सा और दूसरी है भूटिया, और साथ ही साथ जौन सारा, जौन सारी भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है थारू, अगारिया, बेगा, बुक्सा, इंपॉर्टेंट है गोंड और भूटिया। संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो संथाल पूर्वी भारत के निवासी हैं। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, आंसर है भूटिया। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है, ठीक है ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने कहा था गद्दी हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट जनजाति है। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, तो ये राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है सहरिया जनजाति। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इंपॉर्टेंट है दोस्तों लेपचा, असुर। ठीक है, और बाकी की भी देख लेते हैं, भूमिज, हो, कोरा, ओराव, ये सभी पश्चिम बंगाल की हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखिए भील है जनजाति यहाँ की, अगरिया, कोल, काराकू, बोंगा और गोंड। राजस्थान में देखिए, राजस्थान की है इंपॉर्टेंट मीना और भटेलिया। ठीक है, आगे बात करेंगे भील, गरासिया, बंजारा, बंगाड़ी, ये सभी राजस्थान की हैं। झारखंड की जनजातियों की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संथाल, मुंडा। ठीक है, सबसे ज्यादा, और एक और है खरिया। और साथ ही साथ बात करें झारखंड में और भी जनजातियां हैं, इनके नाम है हो, बिरहोर, उराव, कोरावा, माल पहाड़िया, असुर। महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र की जनजातियां के नाम है बरदा, बापचा, भुंजिया, बिरहुल, धनवार, थोड़िया, थोटी, भील, कोल और बरली। गुजरात की बात करेंगे दोस्तों, गुजरात की जनजातियों की, तो देखिए गुजरात में भील, बंजारा, बरदा, बारली, खारी, धोड़िया, कोकना, कोली, पटेलिया, पोमला, चारण, ये सभी गुजरात की हैं। कर्नाटक की जनजातियों की बात करें तो बरदा, चेंचू, मालासार, मालेरू, टोंडा, सोलगा, राथावा, पनियन और कोदागू। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है चेंचू, लंबाड़ा, यानाडी, यालसी, बगाता, धुलिया। केरल की जनजातियों की बात करें तो इम्पोर्टेंट है आपकी मोपला, नायर और आदियन। ठीक है, इसके साथ साथ इन्हें भी याद रखिएगा, उल्हाड़ा, मलकारा, अलार, कुरुम्बा, पानियन, उराली, कादर। तमिलनाडु में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों टोडा। ठीक है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में ये एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही साथ कुरुम्बा, कोटा, इरूला और बड़ंगा को भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे दादर व नागर हवेली की जनजातियों की, तो देखिए बरली, कथोड़ी,
कोकना, नायकड़ा, ये सभी नागर हवेली की हैं, दादर नागर हवेली की। बिहार की बात करें तो बिहार में देखिए बेंगा, असुर, खोंड, उराव, बिरहोर, बेदिया, ये सभी बिहार की जनजातियों के नाम हैं। उड़ीसा की बात करें तो बगता, भूमिज, खोंड, गांडिया, कोल, कोरा, ये सभी यहाँ की जनजातियाँ हैं। दमन व द्वीप में देखिए थोड़िया, सिद्दी, बरली, दुबला, ये सभी दमन द्वीप की हैं। गोवा में जनजाति हैं आपकी थोड़िया और बरली। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का वितरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया हर्बर्ट रिजले के द्वारा। ओपोरोतिपिय तथा अंडी नामक विवाह प्रथा किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है? तो ये है हो जनजाति में। किसमें? हो जनजाति में। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है जारवा। क्या नाम है इसका? जारवा। इंपॉर्टेंट लाइन लिखी यहां पर, देखिए क्या कह रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोमपेन, सेंटिनेलिज, ओंगे व जारावा जनजातियां विलुप्ति की स्थिति में है, विलुप्त होने की कगार पर है। यानी कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो उसका नाम है जोनसारी। टोडा जनजाति कहां निवास करती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, तमिलनाडु में। टोडा एवं जोनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती हैं, ध्यान रखिएगा। बोडो जनजाति कहां निवास करती है? तो बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों पर निवास करती है। गारो जनजाति कहां की निवासी है? तो यह है मेघालय की। कहां की? मेघालय की। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? तो ये मेघालय में पाई जाती है। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका नाम है खासी। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को PVTG का दर्जा दिया गया है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है कुरुम्बा जनजाति। कौन सी? कुरुम्बा जनजाति। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है थारू जनजाति से। देखिए शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं गुजरात। ये स्रोत है आपकी जनगणना 2001 के अनुसार, ठीक है। और देखिए यहाँ पर यदि आप जनसंख्या जानना चाहते हैं, ये भी लिखी है, ठीक है, ठीक है, जनसंख्या भी लिखी है इनकी। सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या कहाँ है? तो देखिए भील जनजाति 1.26 करोड़, सर्वाधिक है ये। दूसरे नंबर पर कौन सी है? तो गोंड जनजाति है 1.08, दूसरी सर्वाधिक, ठीक है, करोड़ में है दोस्तों ये भी, ठीक है। देखिए आगे देखिए संथाल, ये है 58 लाख, तीसरी सर्वाधिक जनजाति। मीना 38 लाख, नायकड़ा 33 लाख, उरांव 31 लाख और सुगाली 20 लाख, ठीक है। चलिए अनुसूचित जाति के बारे में बात करते हैं। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था जिन्हें महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द से संबोधित करते थे, ठीक है। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था, याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, भारत में संकट ग्रस्त जनजातियां, तो देखिए कोटा, टोडा, पुराली, ये संकट ग्रस्त जनजातियां हैं और ये कहां की हैं? तमिलनाडु की। लेपचा भारत में संकटग्रस्त जनजाति है और ये सिक्किम राज्य से बिलोंग करती है। अगली है कवरडा, छत्तीसगढ़ की है ये। राजी उत्तराखंड की और ओंगे, जारवा, सोमपेन, ये सभी अंडमान निकोबार की हैं और संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में है। अब देखिए यहाँ पर विवाह का स्वरूप बताया गया है, विवाह का स्वरूप, ठीक है, और कौन सी जनजाति क्या कौन सा विवाह करती है। देखिए परिवीक्षा विवाह ये कुकी जनजाति में प्रचलित है। हरण विवाह गोंड जनजाति में प्रचलित है। परीक्षण विवाह भील जनजाति में प्रसिद्ध है। सेवा विवाह खांसी और थारू जनजाति में से संबंधित है। दूत लोटावा विवाह ये गोंड जनजाति से है। राजी खुशी विवाह ये हो जनजाति से संबंधित है। चुटकुट्टा विवाह ये संबंधित है थारू जनजाति से। और प्रेत विवाह ये है न्यूर से संबंधित। आगे बात करेंगे जनजातियों को शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम। तो देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया और 1976 में संशोधित हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ये कब आया? 1989 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये आया 1948 में। बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 में आया। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 में आया, ये कब? 1986 में।
अब बात करेंगे विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह की। तो देखिए द्वीप है पहला आपका लघु अंडमान, यहां पर जनजाति निवास करती है ओंगे और ये प्रजाति है निग्रेटो की, ठीक है। अगला द्वीप है सेंटिनेल द्वीप, यहाँ की जनजाति है सेंटलीज, ठीक है, और प्रजाति है निग्रेटो। नेक्स्ट है मध्य व दक्षिण अंडमान, जनजाति यहां पर है जारवा और प्रजाति है निग्रेटो। स्ट्रेट द्वीप की बात करें तो महा अंडमानीज जनजाति है और प्रजाति है ये निग्रेटो की। ग्रेट निकोबार समूह द्वीप समूह पर जनजाति है सोमपेन और ये प्रजाति है नेग्रोइड की। ग्रेट निकोबार की बात करें तो जनजाति है निकोबारी और प्रजाति है मंगोलॉइड, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा यानी कि आदिवासियों के महापिता कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने किया था। भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, किसने, जयपाल सिंह ने। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की पांचवी अनुसूची में हुआ था, कहां पर, पांचवी अनुसूची में। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुद्दुचेरी दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पुडुचेरी दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, सही आंसर है आंध्र प्रदेश को। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक सत्यापित कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के तीन सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं, तो देखिए सबसे बड़ा है राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बारहवा बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह है बिहार। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, राइट आंसर है सात, कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा। पाट अंचल अवस्थित है, तो ये झारखंड में अवस्थित है, कहां पर, झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो यह है गाजियाबाद में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आंसर है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो यह है आपका दिल्ली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में 75। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है, आंसर है कर्नाटक व तमिलनाडु। वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, आंसर है 7, कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया, सही आंसर है 1956 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है, राइट आंसर है केरल। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन, कहां है, सही आंसर है शिमला में। भारत के कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, राइट आंसर है 18। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभावी तिथि इसकी 31 अक्टूबर 2019, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दादर व नागर हवेली तथा दमन व द्वीप का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, राइट आंसर है दादर व नागर हवेली तथा दमन व द्वीप का। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री वर्ष और ये वर्ष 1984 में स्थापित किया गया। वर्ष 1989 यानी कि 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित किया जिसका नाम है मैत्री, क्या नाम है इसका, मैत्री। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है, तो ये की गई है भारती के नाम से, कब, 2012 में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा के कटक में है, कहाँ पर, उड़ीसा के कटक में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हरियाणा के करनाल में पड़ता है, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके मैसूर में।
राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहां स्थित है? सही आंसर है गुजरात के आनंद में। कहां पर? गुजरात के आनंद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां स्थित है? तो यह है हैदराबाद तेलंगाना में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान कहां पर स्थित अवस्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश के झांसी में। कृषि में प्रयोग होने वाले औजार एवं मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहां पर स्थित है? तो ये भोपाल में है दोस्तों। कहां पर? भोपाल में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? आंसर है हैदराबाद तेलंगाना में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां स्थित है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेशनल बोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? धनबाद झारखंड में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है नागपुर महाराष्ट्र में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है, तो ये है मैसूर में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान ये रुड़की में है दोस्तों। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर में। देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये दोनों ही नई दिल्ली में है, ठीक है। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये है आपके देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये आपका बेंगलोर में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहां है? रांची में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहां पर है? धनबाद में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर है? देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला कहां है दोस्तों? तो यह आपके पुणे में। कहां पर? पुणे में। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहां है? तो यह है मुंबई में। भारतीय खगोल संस्थान ये बेंगलोर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये पणजी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तो ये लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अहमदाबाद में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स कहां है? नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है। भारतीय सुरक्षा प्रेस ये आपके नासिक में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहां है? गुलमर्ग में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? नागपुर में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये गुजरात के भावनगर में है दोस्तों, ठीक है, गुजरात के भावनगर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो ये है पूर्वी क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है कोरोमंडल तट पर। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? तो यह है बिहार एवं असम। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? लावा, राख, जलपाश व गैस ज्वालामुखी उद्गार से निकलते हैं। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी की बात करें तो देखिए भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में निम्न ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पहला है बैरन। अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है नारकोंडम, यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बारातंग, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। क्या नाम है इसका? बारातंग। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर है कोलकाता में।
देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां की गई थी? तो ये लातूर महाराष्ट्र में की गई। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में है दोस्तों, कहां हैदराबाद में। वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको मिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय, देखिए आपदा संकट और नोडल मंत्रालय के नाम लिखे हैं। प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाएं आएंगी तो ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सूखा ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विमान दुर्घटनाएं नागर विमानन विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रेल दुर्घटनाएं रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रासायनिक आपदाएं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत है। जैविक आपदाएं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। नाविकीय दुर्घटनाएं परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आती हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी, इस फैक्ट को याद रखिएगा। विविध कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है? तो इसका नाम है सतलज नदी। भारत में किन सेल तंत्रों में सर्वाधिक लोहा अयस्क पाया जाता है? तो यह पाया जाता है धारवाड़ तंत्र में। एक मार्ग खाद उत्पादों का गुणवत्ता मानक है, ठीक है ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली भैंसा। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये कोलकाता में है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? सही आंसर है गुजरात में। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं फुमडिस। क्या कहते हैं? फुमडिस। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाली आदिवासी समूह कौन सा है? तो इसका नाम है गोंड जनजाति। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? राइट आंसर है अप्सरा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है थाने। क्या नाम है इसका? थाने। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चंपा है, ठीक है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। नीरी कहाँ स्थित है? तो देखिए नीरी ये नागपुर में स्थित है, ठीक है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है नीरी का, ठीक है, नागपुर में है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो ये करती हैं आर्य अपवाह तंत्र का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां नंदीराज नारंगी कोटरी एवं निब्रा हैं, ठीक है। गन्ना उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटा। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर लास्ट में तमिलनाडु, ठीक है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर नर्मदा नदी पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 दिसंबर को। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? राइट आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर। भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? तो ये बेंगलोर में है। कहां पर? बेंगलोर में। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य भी घोषित किया गया, इस बात को याद रखिएगा। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? आंसर है कर्नाटक को। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? यह है रायगढ़ में। कहां पर है? रायगढ़ में। उत्तर प्रदेश में सस्ते जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह है 9। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टिन की खदानें हैं? तो दंतेवाड़ा में टिन की खदानें हैं और यह छत्तीसगढ़ में आता है। जंगल महल क्षेत्र कहां स्थित है? जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो यह है बांग्ला। खांसी किस भाषा समूह से संबंधित है? तो यह ऑस्ट्रिक भाषा समूह से संबंधित है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला
धनबाद खनन उद्योग के विकास और औद्योगिकरण के लिए उत्प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह है आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। राज्य देख लीजिए कहां पर क्या शामिल है, देखिए हरियाणा। एनसीआर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं इसके, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूह, जिंद, करनाल, ये सभी हरियाणा के राज्य हैं जो कि एनसीआर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा है, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, सभी एनसीआर में है। और राजस्थान के कौन से हैं, अलवर एवं भरतपुर, ये एनसीआर में शामिल हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी है, क्या कह रहा है, वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंत नगर उत्तराखंड में की गई थी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।